रीवा के रायपुर करचुलियान थाने से आज मेडिकल नशे की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपी ने हथकड़ी के साथ दौड़ लगा दी तथा वह लॉकअप के बाहर आते ही फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बीती देर रात आरोपी को मेडिकल नशे की कार्रवाई में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उसे न्यायालय में पेश करने के लिए लॉकअप से बाहर निकाला गया, जिस पर मौके का फ़ायदा उठाकर हथकड़ी के साथ आरोपी भागने में कामयाब रहा। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाने में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब न्यायालय में पेश करने के लिए लॉकअप से बाहर निकाले गए आरोपी ने हथकड़ी के साथ दौड़ लगा दी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस कर्मचारियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर आरोपी पुलिस की पकड़ से काफ़ी दूर जा चुका था। तब पुलिस के द्वारा मामले पर आरोपी के खिलाफ धारा बढ़ाते हुए उसे पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई तथा पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। बताया जा रहा है कि बीती देर रात पुलिस के द्वारा मेडिकल नशे के खिलाफ अभियान के तहत आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। रायपुर कस्टोडियन थाने में रात भर रखा गया और सुबह होते ही उसे न्यायालय में पेश करने के लिए लॉकअप से बाहर निकाला गया, तभी मौके का फ़ायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। दरअसल आरोपी को लॉकअप से बाहर निकालते हुए साथ में उसके साथ न्यायालय के लिए निकले पुलिसकर्मी ने अपने हाथ में हथकड़ी पकड़ी हुई थी। आरोपी की हथकड़ी को अपनी किसी निजी कार्य के चलते छोड़ दिया था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी थाने से 9-2-11 हो गया तथा पुलिस के द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। कल रायपुर पुलिस को एक बहुत अच्छी सफलता मिली थी। टैबलेट जो मेडिसिन नशा है उसके टैबलेट्स के एक आरोपी को पुलिस के द्वारा अंकित सिंह नाम है जिसको उसको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके आज वो उसको पेश करने वाले थे सुबह 9, 9:30 बजे के आसपास, जब उसको लॉकअप से निकाल के हथकड़ी लगा के और लिखा पढ़ी करके उससे कुछ जानकारी ली जा रही थी, उसी समय कुछ मिस्टेक हुई थाने से। उसमें संतरी नेचुरल कॉल आया तो वो चला गया और दीवान जी के पास लिखा पढ़ी कर रहे थे, टेबल के उस साइड थे, उसी समय साइड से कोई पॉइंट चला, वो जवाब देने लगे तो इसने में फ़ायदा उठाकर वो भाग गया है। उसके भागने पर से पृथक से एक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और उसकी तलाश जारी है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, इसका है रिकॉर्ड है और उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एनडीपीएस एक्ट का मामला ये भी दर्ज हुआ था।